हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर फोर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक टॉपिक, जिसमें हम ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। यानी आपको एक इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन में वेरिएबल्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, उसमें आपको वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर कर उसके सॉल्यूशन निकालने हैं, और सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक प्लॉटिंग बताती हूँ, इक्वेशन में कैसे वैल्यू पुट करोगे, कैसे टेबल, ये वाली टेबल बनेगी, कैसे ग्राफ में प्लॉट करना है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड, कि किस किस तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। एक इक्वेशन है, मान लो 2x + y = 6। अब यहाँ पे मुझे एक एक करके एक्स की वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी। मैं एज्यूम कर सकती हूँ 0, 1, 2, 3, -1, -2, कुछ भी आप रख सकते हो एक्स की जगह पर, और y की वैल्यूज निकालोगे। बेसिकली इस इक्वेशन को कौन सी x और y की वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मिनिमम मैं तीन सॉल्यूशंस निकालूंगी, जिससे मेरी लाइन मुझे क्लियरली पता चल सके कि सही बन रही है कि नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम x की जगह पर लेट करते हैं x इक्वल्स टू जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट केस में लिखा x जो है वो जीरो है, तो 2x + y में जहाँ पे भी x है उधर लिख दो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा 2 × 0 विल बी 0, 0 + y = 6, तो y = 0 उधर जाएगा या कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो y = 6 इज़ योर आंसर। तो एक सॉल्यूशन तो क्या हुआ, अगर मैंने x को 0 रखा तो y आया 6, ठीक है। इस फर्स्ट सॉल्यूशन को हम x1 और y1 बोल सकते हैं, सेकेंड आएगा उसको हम x2 और y2 बोलेंगे, थर्ड आएगा वो x3 और y3 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में मान लो मैंने लिखा x को लेट्स से 1, तो 2x + y है, तो 2x की जगह 1 प्लस y = 6, 2 × 1 = 2 प्लस y = 6, y यहीं पे छोड़ दो, 2 उधर जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा, y = 4। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या सॉल्यूशन आया, जब मैंने x को 1 रखा तो y मेरे पास 4 आया, ठीक है, 1 रखने पे 4 आया। नेक्स्ट देखते हैं, अब लेट x = 2, इजी इजी नंबर्स रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आपका आसान होगा, गलती नहीं करोगे आप। 2x है तो x की जगह पे 2 प्लस y = 6, यहाँ पे आएगा 2 × 4 प्लस y = 6, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y = 6 - 4, y = 2। तो जब मैंने x को 2 रखा तो y 2 आया, तो x को जब मैंने 2 रखा तो y भी 2 आया, ठीक है। अब इसी चीज़ को कैसे प्लॉट करोगे, तो इधर मैं प्लॉट करके दिखाती हूँ। लेट्स से स्केल से करना आप लोग, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें हम पॉइंट्स बना लेते हैं। लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बनाना है, ठीक है। -1, -2, -3, -4 ऐसे ही इधर 1, 2, 3, 4 इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, 5 and 6 इसी तरह से -1, -2, -3, -4। आप देखते हैं क्या करना है, जो आपने टेबल बनाई है इसके एक एक कोऑर्डिनेट्स को देखो और यहाँ पे प्लॉट करो। तो x की जगह पर 0 है तो x का 0 यहाँ पे है, y की जगह पर 6 है तो y वाली लाइन पे आप 6 ढूंढो, ये रहा, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। x 0 एंड देन y की लाइन पे 6, उसके बाद x 1 है, y 4 है, तो x की लाइन के ऊपर आप एक्सिस पे 1 देखो, 1 के बाद y 4, तो ऊपर 4 ये रहा, 1 और 4 के बिल्कुल सामने एक पॉइंट ये मिल गया। नेक्स्ट इज 2 and 2, तो x आपका 2 ये रहा और y का 2 आपका ये रहा। तो देखो यहाँ पे तीन पॉइंट्स एक लाइन में आ गए हैं, इसको हम स्केल से एकदम मैच करेंगे, और ये लाइन आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 2x + y = 6 इस इक्वेशन को। आई होप आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा सा मैंने रफली बताया है, बट ये इतना ईजी है, आपको समझ आ गया होगा, बस स्केल और पेंसिल से करना। अब हम देखते हैं इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, या एक दो क्वेश्चन और जो आते हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के, वो कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है इफ अ पॉइंट 2 and 3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + ay = 10। अगर एक पॉइंट 2 and 3 एक पॉइंट है जिसमें 2 जो है x की वैल्यू है, हमेशा फर्स्ट वाली जो x की वैल्यू होती है, और जो 3 है वो y की वैल्यू है, तो अगर ये पॉइंट 2 और 3 लाइज ऑन द ग्राफ, देखो अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाती हूँ, ये x और ये y,
तो ये क्या बोल रहा है, टू और थ्री इस लाइन के ऊपर आते हैं, यानी अगर एक्स का टू है और वाई का थ्री है तो ये मान लो यहाँ लोकेशन है, तो लाइन इसके ऊपर से पास होगी, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, इस पॉइंट के ऊपर से जाएगी। ठीक है, सो इक्वेशन की आपको सॉरी इक्वेशन आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली अगर पॉइंट जो है लाइन के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यानी इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स और वाई की जगह पे टू और थ्री रखूँ तो ये बिल्कुल इक्वल आएगा, वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब ये बात दी हुई है तो हम इसको यूज़ करते हैं। टू एक्स की जगह पे क्या रखूँगी, टू ये वाली इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ। ठीक है, प्लस ए अपनी जगह रहेगा, वाई की जगह पर थ्री इक्वल्स टू 10। तो 2 × 2 विल बी 4, a × 3 विल बी 3a इक्वल्स टू 10। तो 3a इक्वल्स टू 10, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू 6, 3a सॉरी a इक्वल्स टू 6/3 ये कैंसिल करोगे, इट विल बी a इक्वल्स टू 2। तो फॉर द वैल्यू a इक्वल्स टू 2, दीज पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें निकालना था। अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इस बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछ रहा है जो ये हमारी ग्राफ है, जो हमारा ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना, चलो पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ती हूँ। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम वेयर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस विल पास। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगी, मान लो वो ऐसे बनता है, तो आपको एक पॉइंट बताना है जो एक्स एक्सिस से कहाँ पे पास करेगा, यानी कि एक्स एक्सिस को किधर टच करेगा, उस पॉइंट का नाम बताना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई लाइन अगर किसी एक्सिस को टच करती है तो उसके दूसरी वाली एक्सिस का पॉइंट या कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक्स इस पॉइंट पे टच कर रही है तो यहाँ पे वाई जो है वो 0 होगा, वाई एक्स की कोई वैल्यू होगी जहाँ पे एक्स को टच करी, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो एक्स 2 होगा तो वाई 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे वाई तो 0 है ना, राइट। अगर ऐसे ही मान लो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर से कोई लाइन जा रही है और यहाँ टच कर रही है, तो इस केस में एक्स 0 होगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई का मान लो 1, 2 एंड 3, ये 3 है, तो एक्स 0 होगा, तो ये पॉइंट होगा 0 एंड 3। ये बात ध्यान से समझना, जब भी किसी पॉइंट पे एक लाइन कट करती है तो जिस एक्सिस पे कट करती है उसके ऑपोजिट वाली एक्सिस 0 होती है, राइट। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट बताना है। तो इस केस में वाई जो है आपका 0 है, वो बोल रहा है वाई तो 0 रहेगा, एक्स एक्सिस कहाँ पे कट करेगा वो बताना है। फ्रॉम वेयर द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस विल पास, पास मतलब जहाँ से वो जाएगा, गुजरेगा, राइट। तो अब इससे मुझे क्या समझ आया कि वाई तो 0 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखते हैं, 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 5y है, तो 2x इक्वल्स टू 1 माइनस y की जगह रख दो 0, 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 0, 2x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1, एक्स को यहीं छोड़ दो, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2। तो एक्स की वैल्यू 1/2 होगी, यानी हाफ होगी जब वाई 0 होगा। तो हाफ पे ये कहीं ना कहीं कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, लेट्स से मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 1 2, तो ये कुछ ग्राफ आपका हाफ से पास होगा, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये इस पॉइंट से पास होगा। तो यहाँ पे हाफ और 0 ये वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट की। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, देखना आपको खुद ही समझ आएगा।